छोटो को हेलो। तू एवं कर, तू मेरे कर ले जा। सुबह के 8:30 ऑलमोस्ट एंड भाई सो नहीं पाया अच्छे से, ये सोच कर कि भाई आज अपने जट भाई से मिलने वाले हैं। तो अभी तो 8:30 हो गए एंड जो मीटअप है वो है 10 बजे का एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि अभी अपने जेट भाई एकदम अपने घर के पास ही होटल लेने वाले हैं एंड इट्स ऑल कोइंसिडेंस एंड भाई किस्मत देख लो भाई की, मतलब जो इतनी इंस्पिरेशन थी यार जिनको देखकर अपन ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, जिनकी व्लॉगिंग आप बचपन से देख रहे हैं वो अपने घर के पास आ गए एंड गेस व्हाट भाई मीटअप भी रख लिया उन्होंने। तो यार उससे पहले अपने को एक दो काम निपटाने हैं, पहले वो निपटाते हैं फटाफट से एंड फिर उतने निपटाते निपटाते टाइम तो हो ही जाएगा एंड हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे कि क्या पता बहुत क्राउड हो रहा हो वहाँ पे, अभी तो पता भी नहीं कि इस एरिया से कितने फैंस हैं उनके एंड होपफुल बहुत होंगे। तो लेट्स बिगिन। तो भाई जेट भाई से मिलने जाना है तो अपनी स्कूटी पर तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो अपने रॉकेट पर ही, बट जो रॉकेट है भाई वो अपना हो रहा बहुत गंदा, तो इसको फटाफट से चलते हैं पहले लेकर, इसकी वॉशिंग करवाते हैं। तो यार देखो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, बहुत गंदी रुकी है भाई के देखो। तो भाई इसको चलते हैं वॉश करवाते हैं, पहले कर लेते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट, इतने दिन की अभी खड़ी हुई है बस। बाइक हो चुकी है वॉर्म, अब चलते हैं फटाफट से इसको वॉश करवाते हैं। अगर वॉशिंग तो करवानी ही थी तो मैं कभी लगे हाथ पेट्रोल भी डलवा लेते हैं क्योंकि इतने टाइम से खड़ी है, वैसे अभी तक इस पर कोई साइन तो नहीं आया रिजर्व का, पर फिर भी चलो डलवा लेते हैं क्या जरा, तब इतनी पता नहीं चल रही होगी बाइक। अब देखो भाई कितनी गंदी है, देखो ये देखो भाई पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है भाई पूरी। बाइक देखो भाई अपनी पूरी चमक चुकी है, अब चलते हैं फटाफट से घर पे, ड्रेसअप होते हैं, लेट हो चुके हैं भाई हम, मतलब 10 बजने वाले हैं, फटाफट से घर चलते हैं कहीं ऐसा ना हो मीटअप माटअप हो जाए, और आपका हम बाइक ही धुलवा रहे हैं यहाँ पे अभी तक। तो गाइस वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो एंड अभी टाइम हो रहा है 10:15 रह गए मीटअप को, सो फटाफट से वहीं पर पहुँचते हैं। चलो भाई अब चलते हैं एंड पास जाकर वहाँ पे कैमरा स्टार्ट कर दूंगा, देखेंगे भाई कितनी भीड़ आ रखी है वहाँ पे। चलो चलते हैं। तो भाई सिल्की रिजॉर्ट आने वाला है जस्ट ये रहा एंड लेट्स सी भाई कितने बंदे आ रखे हैं, अभी तो मेरे को कोई भी दिख नहीं रहा है एंड ये बाइक्स तो लगी हुई है एंड ये ले भाई ये फैंस सारे आ रखे हैं यहाँ पे एंड ये रहा भाई सिल्की रिजॉर्ट। तो चलते हैं फैंस से भी मिलते हैं एक बार। तो भाई अब हम आ चुके हैं जहाँ पे अपने जट भाई हैं सिल्की रिजॉर्ट में एंड यहाँ सारे इनके फैंस खड़े हुए हैं जितने भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, थोड़े बहुत देर ही खड़े हुए हैं एंड अभी 9:54 हो गए ऑलमोस्ट, टाइम हो चुका है उनके आने का। तो चलो फिर से मिलते हैं, पूछते हैं और भैया कैसे लग रहा है, फिर बढ़िया लग रहा है और आपको बढ़िया? तो भाई सारे एक्साइटेड एकदम उनका वेट कर रहे हैं आने का, तो लेट्स सी भाई अभी वो आएंगे देन मिलते हैं। हाँ यही लग रहा है क्योंकि रात को 3-4 बजे तक स्टोरी आ रही थी, रात को कभी मूवी देख रहे थे, कभी चंडीगढ़ घूम रहे थे, अब ऐसा ना कहीं हम खड़े रह जाएं चंडीगढ़ की साइड ना। चलो मिलते हैं, देखते हैं आते हैं जब। तो भाई काफ़ी बंदे तो अंदर भी आ रखे हैं हमने, अंदर तो चेकनी के अंदर सोफों पे सारे फैंस बैठे हुए हैं, यहाँ भी खड़े हुए हैं, अपा तो बाहर खड़े थे इतनी देर से, भाई बहुत बंदे आ रखे हैं अभी मिलने अंदर, देखो ये पूरा भरा हुआ है, अगर आप कुछ दिख रहा हो।
हाँ ये रखना। तो लेट्स सी, तो भाई अपने भाई पाजी आ चुके हैं, तो लेट्स सी। अरे एक से मिलेंगे भाई, अरे भाई 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 से मिलेंगे, यही लग गया मेरे भाई छोटो को। हेलो भाई मेरे, तो भाई यहाँ पे भी सभी लोग तो मिल रहे हैं जट पाजी से अभी, तो बहुत देख सकते हो आप कितना ज़्यादा भाई एक्साइटमेंट है सभी लोगों में। एंड भाई यहाँ पे खड़े भी अपने प्यारे सिंगर कजिन से मिल लेते हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो पाजी ये क्या घूमने का प्लान बना था जो टहलते टहलते आ गए चंडीगढ़ ऐसे आ गए कुछ स्टोरी, अच्छा काम से आए थे। चलो ठीक है फिर भाई, अब सभी यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। तो यार अभी तो बहुत भीड़ हो रही है, पाजी ने बोल दिया कि पूरा टाइम है अपने पे, आराम से फोटो सबसे खिंचवाएंगे, वही हम भी वेट कर रहे हैं आपके, कब थोड़ी भीड़ कम होगी। भैया आप ही हो ना, रात को मिले थे जो स्टोरी में भाई अपना है, तो रात को मिले थे भैया से भाई, फोन नहीं ले रहा था अपना बाप फोटो शूट चल रहा है, बहुत लोग हैं और अभी जगह ऊपर जा रहे हैं आधे घंटे बाद नीचे, लेकिन घर निकल जाना भाई सारे घर भगवान के लिए, फिर दोबारा आएंगे, फिर हमें रुकना पड़ेगा, अभी कहीं पहुंचना है। अगली बार ये दिन भाई मीटअप ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी भी देख लो भाई काफ़ी लोग हैं। एंड पाजी बस जा रहे हैं अपने रूम में, क्योंकि इनको भी काम है, अभी जाने ही कह रहे हैं कि आधे घंटे में इनको निकलना अपने घर के लिए। भाई गर्मी बहुत है भाई, कार निकल जाना सारे यार आधे घंटे में, देख लीजिए पाजी। ओके ओके ओके, सागर ब्लॉग्स को भाई सब्सक्राइब करना यार, बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है। एक छोटी सी राइड भी लोगे मेरी बाइक पे, और नहीं यार मैं तैयार हूं कि तो पहुंचना यार। चलो ठीक है, अगली बार पक्का। ओके वीडियो, ओके वीडियो, ओके सर, ओके ओके पाजी, चलो हो गया जो भी होना। पाजी आपके लिए बाइक अंदर लगाई, आप बाहर आ गए, अंदर बाइक लगाई है मैंने, एक बार आप देख तो लो, लाइनअप लगाया आपके लिए। हां जी आपके लिए लाइनअप लगाया अंदर, हाँ जी दोनों। मैं आपको कौन सी कौन चला रहा है, मेरी वाली हार्ले और वो भैया जी एक और है ये पीछे गली वाला, हाँ जी तो भाई देख सकते हो यार क्या कर रहा है फिर अपने को, आपा ने बोला भाई के लिए, आपा ने भाई लाइनअप लगाया अंदर, एंड भाई ये था भाई का रिएक्शन। भाई अभी भी देखो व्लॉग बन रहे हैं भाई, हम लगे भाई मैं नहीं आया जट भाई जा रहे हैं अपनी, कुछ लगाना उसके बाद चलो।
कुछ तो नया आने वाला है, सो लेट्स सी भाई क्या होगा वो। एंड आई होप अभी तक तो रिवील कर दिया होगा जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। एंड टाइम है इस व्लॉग को एंड करने का। सो आई होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई टाइम देखो एक बार, टाइम हो रहा है अभी 12:18 रात की एंड बहुत नींद आ रही है मेरे को। अभी अभी एकदम वीडियो एडिट हो चुकी है सारी, अब अपलोड पे लगा दूंगा इसको, तो सुबह तक अपलोड हो जाएगी। एंड भाई यहाँ चल रहे हैं अपने साथ में कॉर्न्स, पर मैं करता हूँ अपने कॉर्न्स इंजॉय एंड आपसे मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।